क्षेत्र में चोरी करने वाले दो युवकों को दिल्ली पुलिस के सिपाहियों ने पकड़ा। पेश है कैमरामैन अनमोल के साथ रिजवान खान की है रिपोर्ट। बीते मंगलवार दिनांक 20 जुलाई को पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर क्षेत्र में पुलिस गाड़ियों की तलाशी कर रही थी। इस दौरान बाइक पर दो युवक आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस कांस्टेबल नीरज और कांस्टेबल नितिन ने रुकने का इशारा दिया, लेकिन बाइक सवार युवक नहीं रुके और वह त्रिलोकपुरी की ओर भागने लगे। तभी दिल्ली पुलिस के दोनों सिपाहियों ने उनका पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से ताला तोड़ने का एक औजार बरामद किया गया है, जिसके बाद उन्हें न्यू अशोक नगर थाने में लाके पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान दोनों युवकों ने अपनी पहचान मोहम्मद फैजान उम्र 19 साल, वहीं दूसरे युवक ने अपनी पहचान फैजल उम्र 19 साल जो कि त्रिलोकपुरी के रहने वाले हैं। इसके आगे जांच में यह भी पता चला है कि जिस बाइक से वह चोरी के वारदातों को अंजाम देते थे, वह बाइक न्यू अशोक नगर से चुराई गई थी और एक स्कूटी भी बरामद की गई है जो कि लक्ष्मी नगर से चुराई गई थी। वह चोरी करते समय चोरी की बाइक इस्तेमाल करते थे ताकि किसी भी तरह उनकी पहचान ना हो सके। फिलहाल पकड़े गए युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सभी दर्शकों से गुजारिश है कि हमारे न्यूज चैनल सूरज की रोशनी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपने आसपास की सारी खबरें मिलती रहें।